हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ सिस्टोड्स, नेमाटोड्स एंड ट्रेमाटोड्स की, ठीक है ना। तो ये एक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग इसके कैरेक्टर्स स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहला क्या होता है, शेप, ठीक है। इसको ऑन द बेसिस ऑफ शेप कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, शेप के बेसिस पे क्या क्या ये होते हैं, तो ठीक है ना। तो शेप के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ये होते हैं टेप लाइक, जो ये आपके सिस्टोड्स होते हैं ये टेप लाइक होते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेमाटोड्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, ठीक है ना। ट्रेमाटोड्स को कहते हैं लीफ लाइक। नेमाटोड्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है ना। कैसे होंगे, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। सिस्टोड मतलब टेप की तरह होंगे, ठीक है ना, और ट्रेमाटोड्स मतलब लीफ की तरह होंगे, और नेमाटोड्स जो होंगे इलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बॉडी के ऊपर, इसकी बॉडी कैसी कैसी हो सकती है। तो ये टेप की तरह है, तो ये टेप की तरह ये सेगमेंटेड हो सकती है, सेगमेंटेड इसकी बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। ये ट्रेमाटोड्स हैं, ये लीफ लाइक है, ये अनसेगमेंटेड होगी, ये अनसेगमेंटेड होगी, ये भी अनसेगमेंटेड होगी, ठीक है ना। तो सेगमेंटेड कौन सी है, केवल सिस्टोड्स हैं, ठीक है ना। केवल सिस्टोड्स जो हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है ना। आपके क्या होते हैं, केवल सिस्टोड्स जो हैं आपके सेगमेंटेड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके सेक्सेस के ऊपर, इसके में कौन कौन से सेक्सेस होते हैं, ठीक है ना। सेक्सेस में कैसे डिविजन होता है, तो यहाँ पर नॉट सेपरेट, कोई सेपरेट सेक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मोनोशियस, बेसिकली ये मोनोशियस ही होता है, सारे के सारे मोनोशियस होंगे, मतलब कि इनमें कोई सेक्सुअल का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी नॉट सेपरेट होंगे, यहाँ पे भी नॉट सेपरेट होंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, किसका एक्सेप्शन आता है, शिस्टोसोमा, ठीक है ना, SHISTOSOMA, ठीक है ना। शिस्टोसोमा स्पीसीज में यहाँ पे ये जो होते हैं डायोशियस होते हैं, डायोशियस मतलब क्या होते हैं, डायोशियस मतलब क्या होते हैं, डायोशियस मतलब होते हैं कि सेक्सेस इसके सेपरेट है, और यहाँ पे भी सेपरेट ही होंगे, सेपरेट सेक्सेस होंगे नेमाटोड्स में। तो नेमाटोड्स हमें समझ में आता है कि हाँ ये हो सकता है कि सबसे एडवांस होगा, तो ऐसे ही याद करना, CTN के ही फॉर्म में याद करना तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात इसकी हो गई कि सेक्सेस में क्या क्या डिफरेंशिएशन होंगे इसमें, ठीक है ना। केवल ट्रेमाटोड में शिस्टोमा ऐसे ही होते हैं जो डायोशियस होते हैं, ठीक है ना। अब इसके हेड की बात करेंगे, इसके हेड कैसे कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सकर्स कंटेन्स सकर्स, इसमें क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, सकर्स ऑफन विथ हुक्स, इसमें सकर्स ऑफन विथ हुक्स होते हैं, सकर्स विथ हुक्स होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ सकर्स, इसमें सकर्स ही होंगे केवल, कंसिस्ट ऑफ सकर्स, केवल इसमें सकर्स ही होंगे, ठीक है। और बट इसमें सकर्स ही होंगे, बट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हुक, यहाँ पे हुक्स नहीं होंगे, यहाँ पे केवल सकर्स होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हुक्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे दोनों ही एब्सेंट होंगे, बोथ सकर्स एंड हुक्स आर एब्सेंट, बोथ सकर्स एंड हुक्स आर एब्सेंट। अ वेल डेवलप्ड बक्कल कैप्सूल जो होता है, एक वेल डेवलप्ड यहाँ पे बक्कल कैप्सूल होता है, ठीक है, बक्कल कैप्सूल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। एडवांस स्टेज में जैसे यहाँ पे दोनों होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इनने कहा कि मेरे को केवल हुक्स की जरूरत नहीं है, मेरे को सकर्स ही केवल चाहिए, इनने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ, मेरे को बक्कल कैप्सूल चाहिए, बक्कल कैप्सूल ले लिया इनने, एंड मे बी प्रेजेंट इन सम स्पीशीज, ठीक है ना। वेल डेवलप बक्कल कैप्सूल मे बी प्रेजेंट इन सम स्पीशीज, इनके सम स्पीशीज में कुछ बकल कैप्सूल हो सकते हैं, ठीक ना, कुछ बकल कैप्सूल हो सकते हैं, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इनकी बॉडी कैविटी कैसे होती है, ठीक है ना, इनकी जो है बॉडी कैविटी कैसी होती है, इनके बॉडी कैविटी की हम लोग बात करेंगे। बॉडी कैविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीलोम, ठीक है ना, सीलोम इसका कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है ये, ठीक है ना, एबसेंट, इसमें कोई सिलोम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी एबसेंट होता है। आपकी अपनी 12th स्टैंडर्ड की अगर नॉलेज होगी आपको, वहाँ पढ़ा होगा कि ये ए सिलोमिक होते हैं, लेकिन जो नेमाटोड्स होते हैं वहाँ पे सिलोम होते हैं, ये सीडोसिलोम भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं एबसेंट ही अपने माइक्रोबायोलॉजी के लेवल पे, ठीक है ना। तो ये एक बात रही आपकी
बॉडी कैविटी के ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल सोचो एक बार कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है ना, एलिमेंट्री कनाल कैसा हो सकता है इसमें। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल सिस्टोड का कैसा हो सकता है, यहाँ पे होगा ही नहीं पहली बात। एलिमेंट्री कनाल होगा ही नहीं, प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, चलो ठीक है, इन्हें कहा कि ठीक है हम ले लेते हैं, प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है, प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट, नो अनस, यहाँ पे एनस नहीं होता, प्रेजेंट एंड कम्प्लीट, यहाँ प्रेजेंट होगा भाई, प्रेजेंट एंड कम्प्लीट, यहाँ पे प्रेजेंट और कम्प्लीट होगा। तो ये बात रही आपकी सेस्टोड, ट्रेमेटोड्स एंड नीमेटोड्स की, कुछ डिफ्रेंशिएशन के बारे में, कुछ डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है ना, ये क्या क्या इसके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो एक बार मैं सारी डिफरेंसेस वापस से पढ़ दे रहा हूँ, आपको हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक बार हमारे साथ पहले तो आँख बंद कर लो फिर, ठीक है ना, आँख बंद करके सोचने की कोशिश करो कि ठीक है कैसे हम लोग याद करेंगे कि ठीक है, ठीक है कैसे याद करेंगे कि पहले तो शेप, शेप के बेसिस पे कैसे होते हैं भाई, सेस्टोड्स जो होते हैं टेप लाइक होते हैं, और जो तुम्हारे CTN, पहले तो CTN याद कर लो, तीन तरह के होते हैं, सेस्टोड, ट्रेमेटोड, नीमेटोड। पहला शेप आएगा, शेप में कैसा, लीफ लाइक होता है, ट्रेमेटोड कैसा होता है, सेस्टोड कैसा होता है, टेप लाइक होता है, ट्रेमेटोड कैसा होता है, लीफ लाइक होता है, और नीमेटोड इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना। और सेस्टोड में क्या होता है, सेगमेंटेड होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आगे जाएगा सेगमेंटेड से अनसेगमेंटेड होता जाएगा, तो अनसेगमेंटेड हो गया, ट्रेमेटोड जो होते हैं अनसेगमेंटेड होंगे, नीमेटोड अनसेगमेंटेड होंगे। सेक्सेस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो, मोनोशियस ही होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे मोनोशियस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक को छोड़ के, यहाँ पे सिस्टोमा को छोड़ के वह डायोशियस होता है, बाकी सब मोनोशियस होंगे, यहाँ पे डायोशियस होगा, यहाँ पे रोस्टेलम में थूक्स होंगे, मतलब कि सकर्स भी थूक्स होंगे, और यहाँ पे केवल सकर्स होंगे, उनको हुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको एक बक्कल कैप्सूल कुछ कुछ स्पीशीज में देखने को मिल सकता है। बॉडी कैविटी जो होता है सिस्टोड्स में एबसेंट होता है, ट्रेमेटोड्स में भी एबसेंट होता है, लेकिन नेमेटोड्स में प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोड्स में एबसेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट, तो नो एनस, यहाँ पे प्रेजेंट एंड कम्प्लीट, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी सेस्टोड, ट्रेमेटोड एंड नेमेटोड्स के डिफरेंस के बीच में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ समझ जाना कि ये एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जो ये सेस्टोड्स एंड ट्रेमेटोड, हमारा जो है डिफरेंशिएशन अच्छा होता गया, हमारा जो, हमारा जैसे ह्यूमन का ज़्यादा फॉर्म आता जा गया, जैसे ये देख रहे हो कि सेगमेंट, हम लोग मतलब कि जो सेक्सेस होते हैं हमारे डायोशियस होते हैं, तो ये सेक्सेस का एक डिफरेंस आया गया कि हमारे पास बक्कल कैप्सूल, बक्कल माउथ होता है, ठीक है ना, तो बक्कल कैप्सूल इसमें हो गए नेमेटोड्स में, हमारे अंदर बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कनाल हमारे अंदर कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट है। तो उस तरह से थोड़ा सा सोच के रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो, तो ठीक है ना। तो ये इतनी बात रही आपके तीनों के डिफरेंसेस के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।